नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूँ आपके साथ रत्नाकर। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इरसालवाड़ी में देर रात भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। मलबे में 100 लोगों के फंसे होने की आशंका है। 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 22 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर तैनात है। मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। इस्कॉन ब्रिज पर जगुआर ने कई लोगों को कुचल दिया। जगुआर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। राजधानी दिल्ली के बाद अब हरियाणा बाढ़ की चपेट में आ चुका है। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है जब राज्य में औपचारिक तौर पर बाढ़ का ऐलान किया गया है। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाने वाले वीडियो पर कार्रवाई हो गई है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाने का वीडियो सामने आया था। इसी दौरान महिलाओं के साथ यौन शोषण भी किया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर कहा कि लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मणिपुर रेप केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोगों में गुस्सा है। एक्टर अक्षय कुमार ने आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा पोर्नोग्राफिक केस को लेकर काफी सुर्खियों में रहे थे। अब राज कुंद्रा ने एक्टिंग करने का फैसला किया है। शिल्पा के पति अब एक्टिंग में हाथ आजमाते हुए नजर आने वाले हैं। एशिया कप 2023 का शेड्यूल जारी हो गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और बीसीसीआई के सचिव विजय शाह ने टूर्नामेंट के पूरे शेड्यूल का ऐलान किया है। टूर्नामेंट का सबसे अहम मुकाबला जिस पर सभी की नजर हो सकती है यानी भारत पाकिस्तान की टक्कर 2 सितंबर को होगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रभावित इरसालवाड़ी गांव का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। यदि आज की टॉप 10 खबरें, खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।